जिला लातेहार प्रखंड मोहांडाड़ में एकमात्र बीएसएनएल नेटवर्क होने से यहां की जनता को काफ़ी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। मोहांडाड़ में समस्या इंटरनेट को लेकर काफ़ी है, जिसमें हमेशा केबल कट जाना ये प्रॉब्लम रहता है, जिसके चलते इंटरनेट काम नहीं करता है। यहाँ इंटरनेट तो क्या ठीक से फ़ोन भी नहीं काम करता, जिसके चलते वो लोग इंटरनेट लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इंटरनेट ले लिए तो क्या फ़ायदा है, झूठ मूठ का महीना हमको पे करना पड़ेगा, जबकि सप्ताह में मुश्किल से 2 दिन चलेगा। ये समस्या है, और इससे प्रभावित होने वाले लोग जनरली अभी स्टूडेंट लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अभी जो भी वैकेंसी निकल रहा है सभी ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन भरने के लिए उनको या फिर डाटेगंज जाना होता है या फिर रांची जाना पड़ता है, तो बहुत सारा वैकेंसी इसी के चलते हमारे युवा लोग, जो जवान लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग इससे अछूते रह जा रहे हैं। 50,000 से अधिक उपभोक्ता है, लेकिन एक टावर का कैपेसिटी मात्र यहाँ 20,000, तो और टावर लगेगा तो वो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। सरकार चाहे तो सरकारी BSNL तो सरकारी सेवा है, तो सरकार अगर चाहेगा तो वो काम उसको जल्दी कर सकता है। और दूसरी, जहाँ तक दूसरी कंपनी की बात है, जैसे एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, इसकी बात है, तो इसमें है कि सरकार आमंत्रित कर सकती है और कंपनी को कि आप आइए और इस एरिया में अपना प्रोजेक्ट लगाइए। अभी बृहद रूप से एक बार बंदी किया गया, उसके साथ में बिरसा चौक के पास में सभा का आयोजन किया गया, जो कि मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में हुई थी। उसके अलावा एक्सचेंज का घेराव 2-3 बार हो चुका है, लेकिन उसके एवज में अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। इस तरह से मोबाइल फोन सेवा एवं इंटरनेट से यहाँ की जनता वंचित हो रही है। आप हमारी मदद के लिए भारतीय संचार निगम लिमिटेड के STO का मोबाइल फ़ोन नंबर 9431136828 अशोक कुमार से बात करके हमारी मदद करें। मैं जस्टिन लकड़ा, इंडिया अनहड़ के लिए, जिला लातेहार से।